आज मन बड़ा उदास है, न कुछ कहने का दम है न ही कोई आस है। आस भी क्या, क्या तुम जानते हो? वैसे जानते तो सब कुछ हो, मानते कुछ भी नहीं। जो सोचे तुम्हारा भला वो भला कैसे समझाए, जिंदगी की सच्चाई आखिर तुम्हें कैसे बतलाए। क्या करूं मैं जो तुम्हारी आंखें खुल जाएं, कहीं ऐसा ना हो तू बाद में बहुत पछताए। ये पढ़ना पढ़ाना यूं आगे बढ़ने की कहानियां सुनाना, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ ख्याली पुलाव है बनाना। आज लगता है हम ही गलत थे जो हमने बच्चों से उम्मीद लगाई। इस लापरवाही पर हम सबकी कुछ आंखें सी भर आई, ये देख कर कि हमने तो इतनी मेहनत से था पढ़ाया, फिर आज के बच्चों को शॉर्टकट का चस्का किसने है लगाया। कभी सुनने में आता है एक बच्चा पूरी इंग्लिश एक वीडियो में खत्म करना चाहता है, तो कभी हिंदी को तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर जाता है। शिक्षकों ने सारे विषयों के न दिन देखा न देखी रात, न डरे वो सर्दी से न कुछ कर सकी उनका ये घनघोर बरसात। हमने भरसक प्रश्न किया, तुम्हारा साथ निभाने का, तुम्हारा हाथ थामने का, अब भी सिर्फ एक महीना बचा है, लेकिन तुम्हें न समझ आई हमारी बात। बड़ा अफसोस होता है कि बच्चा आखिर चाहता क्या है। क्लास में टीचर खड़ा है, इंतजार कर रहा है, वो बुला रहा है, अरे ओ मोहन प्यारे जाग जाओ, अरे ओ मोहन प्यारे जाग जाओ। पढ़ाई से बढ़कर आखिर वो काम कहां पाता है? शायद ये हमारी भूल थी जो हम कंटेंट पर कंटेंट देते चले गए। आपको पढ़ाने के पीछे कितनी मेहनत होती है क्या कभी कल्पना की है? शायद। अरे तुम क्या करोगे कल्पना? वैसे माँ बाप ने जो सपने चुन चुन कर दिए, सब तुमने अपनी लापरवाही से चकना चूर कर दिए बच्चा। चलिए कुछ बात करते हैं और अपने मन की जो भी उबसासी है, दुख है, वो शायद आप लोग समझ सके कि एक शिक्षक के ऊपर क्यों दुख होता है, क्यों उसे बुरा लगता है जब उसका छात्र, उसका स्टूडेंट जो है लापरवाही करता है। बच्चों कभी कभी कमेंट हम लोग को ऐसे मिलते हैं, खासतौर से अगर हम अपने वीडियो के नीचे देखें, यू आर ग्रेट, यू आर गॉड, यू आर जस्ट लाइक विलियम शेक्सपियर। मतलब उसे पढ़कर भी अजीब सा महसूस होता है, खुशी भी होती है, एक अजीब सा दुख भी होता है। खुशी इसलिए, पहले तो हम आपको दुख बताते हैं कि दुख इसलिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एज एन इंग्लिश टीचर आई एम डूइंग गुड फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट, स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट, हम स्पेशली बार बार इसे वर्ड लगाते हैं क्योंकि यूपी बोर्ड का दुख एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट और यूपी बोर्ड का शिक्षक ही जान सकता है। इंग्लिश को लेकर के यूपी बोर्ड में एक अजीब सी एक वजह बनी हुई है, एक अजीब सी एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश, नामुमकिन सी बात है, यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश बोलत है, पॉसिबल ही नहीं है। हर सीबीएसई और हर आईसीएसई बोर्ड का बच्चा यूपी बोर्ड को एक गिरी निगाह से देखता है, तुच्छ निगाह से देखता है। उन्हीं में से हम भी थे। कभी अगर हम अपने बचपन से लेकर अब तक की जो आप लोग जिस तरीके से हमें टॉल देते हैं ना, टाइटल दे देते हैं कि आप ये हैं तो वो हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो दुख कभी कभी इस बात पे होता है कि इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी बच्चों के अंदर वो परमानेंसी नहीं आ रही है, वो रेगुलेशन नहीं है उनके अंदर, वो रेगुलर नहीं हो पा रहे, कंसिस्ट क्यों नहीं बन पा रहे, वो क्यों पंक्चुअल नहीं हो पा रहे, इस पर हम खुद सोचते हैं। आखिर हम क्या ऐसा कर दें जो यूपी बोर्ड का बच्चा हमको माने और एक लगातार तरीके से अपने इंग्लिश के जो जर्नी है, इंग्लिश को सीखने की, उसमें लगातार वो जुझारू तरीके से सीखता रहे।
साहिर सर यहाँ खड़े होकर के एक नए नए अंदाज नए नए तरीकों से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपको मालूम है कि ये बंदा जो आपको सामने इंग्लिश पढ़ा रहा है शायद आपने एक तरीका एक नया अंदाज देखा हो इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने का केवल हमसे कि हमने आपके लिए हर वो मुमकिन चीज करी है जो आज तक आपको यूट्यूब पर ना मिल पाई, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये कहां से शुरुआत हुई और कहां जाके खत्म हुई और शायद आज भी खत्म नहीं। हर एक बच्चे की नीड के हिसाब से अपने टीचिंग स्टाइल को बदलते हुए हमने अपने आप को कितना बदला। अगर हम आपको अपनी सच्चाई जीवन की पूरी संघर्षों की बता दें शायद आप में से बहुत से लोग हंसेंगे भी, अरे ये सब झूठ है, लेकिन अभी आपको हम उसका पुख्ता सबूत भी देंगे कि हम क्या थे और आज क्या है। आप लोग का प्यार भी बहुत है, लेकिन इस समय जबकि बोर्ड परीक्षा एकदम सर पर है और उस समय इतनी लापरवाही इतना डीमोटिवेशन बच्चों की तरफ से कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो बच्चों को मजा नहीं आ रहा। बच्चा आज एक वीडियो में पूरी इंग्लिश सीखना चाहता है, हाँ, हमें आज भी याद है हम चार भाई बहनों में हम सबसे वीक थे, सबसे ज्यादा कमजोर थे, और कमजोर होने का सबब यह था क्योंकि बचपन में 3 साल की उम्र तक हम गूंगे रहे। मेरे माँ बाप बताते हैं झूठ तो हो नहीं सकता, हम बोल नहीं पाते थे, मेरी जबान नहीं चलती थी, जिस वजह से फिर हमें एक ऐसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया मेरे पिता ने जहाँ पेड़ के नीचे, गाँवों में पेड़ के नीचे होती थी ना स्कूल, उसके नीचे हमने 2 साल अपने गुजारे। मेरे बड़े भाई डॉल्फिन सीक्रेट पब्लिक स्कूल में पढ़े जहाँ गांव था, तो उस गांव में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उस स्कूल में बड़ी वेल मेंटेन ड्रेस पहन के फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास उन्होंने वहाँ पढ़ाई करी, जबकि हमने अपना जो है फर्स्ट सेकंड क्लास वहाँ पर नहीं पढ़ा। बहरहाल वो मेरी गूंगापन मेरी मंद बुद्धि पर इतना हावी हो गया कि हम कक्षा 9 तक पूरी तरीके से मंद रहे। मंद बुद्धि मतलब जैसे नहीं बौरे बच्चे होते, क्योंकि हम अपने सारे भाई बहनों में सबसे वीक भी थे और सबसे शायद दिखने में बुरे भी थे, मतलब स्मार्टनेस नहीं थी चेहरे पर, प्यारापन जो होता है ना नाइस लोग कह देते हैं ब्यूटीफुल क्यूट बच्चे को, वो नहीं था, और इसी वजह से मुझे शायद अपने घर वालों की तरफ से उतना प्यार भी ना मिला क्योंकि लोग पसंद नहीं करते थे। उस वजह से मन में एक हेजिटेशन आने लगी और हेजिटेशन आते आते वो हेजिटेशन इतना ज़्यादा डर में बदल गई कि अपने पिता को देख करके मेरे मुँह से निवाला बाहर निकल आता था, क्योंकि अभी मेरे पिता एक मारेंगे कंटाप मेरे मुंह से खून निकल आएगा। हमारे पिता पढ़ाई पर बड़े सख्त थे, तीनों भाई बहन हमारे जो थे वो बड़े पढ़ने में अच्छे थे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे, मार्क्स भी और अच्छे लाते थे, लेकिन हमसे नहीं हो पाता था। वजह वही गूंगापन जो आगे मंद बुद्धि में बदल गया और मंद बुद्धि के बाद वो डर में बदल गया, फिर वो डर डर के 9th क्लास तक किसी तरह पास होते गए, हर बार हर एग्जाम में ग्रेस, हर बार हर एग्जाम में रिपोर्ट कार्ड पर रेड पेन चला हुआ, पिता की मार बढ़ती गई, टॉर्चर बढ़ते गए, मोहल्ले वाले जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में भी हमको इस तरह से देखा जाता था जैसे कि कोई हम अछूत है। हम अपने आप को जब कभी आईने में देखा करते थे तो हमको फील होता था कि हम इतने बुरे क्यों हैं, मतलब बाई फेस भी और बाई माइंड भी बुरे। I never thought that I could do anything else. Even parents did not hope from me that I might do anything. अब बने बोरा लेकर निकाल दिया घर से, जाओ बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ कूड़ा बीनो। मम्मी के कहने पर शायद और डैडी के एक दोस्त उनके कहने पर शायद उन्होंने पूरे 24 घंटे के बाद हमको वापस घर में लिया। कई वक्त का खाना भी नहीं मिलता था कि जब हम उन्हें पढ़ के ना बताएं, लेसन ना सुनाएं, क्वेश्चन आंसर ना सुनाएं। लेकिन ये वजह केवल पढ़ाई पर नहीं थी, जो कि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंग्रेजी की। पिताजी अंग्रेजी पे बड़े सख्त थे, इंग्लिश छोड़ो यार, हिंदी जिस बच्चे को ना पढ़ने आता वो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कहां से याद कर ले। आज जब कमेंट्स आते हैं सर एक ऐसी वीडियो बना दो कि सब कुछ आ जाए इंग्लिश में, बड़ा अफसोस होता है कि एक वीडियो में बच्चा तुम पूरी अंग्रेजी सीख लोगे ना, एक वीडियो में नहीं होता। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपके जो पढ़ाने वाले हम जो खड़े हैं आपके सामने, जो आप फ्लो देख लेते हैं बड़ी स्पीड में, कभी कभी लिखने में ग्रामर लिटरेचर स्पीकिंग भी आप कहते हैं सर आपने सब सीख तो जरूर लिया। आज चारों भाई बहनों में हम एकदम शॉर्ट में बताया कि चारों भाई बहनों में शायद
ऊपर वाले ने पिता की मार की वजह से ही हमको इस लायक बनाया, लेकिन लायक बनने से पहले कक्षा 10 का वो दिन आज भी हमें याद है जब केमिस्ट्री में हमने चाप की नकल करी थी। नकल न करी होती तो कक्षा 10 न पास होते। पढ़ाई मन में नहीं घुसती थी, दिमाग में नहीं घुसती थी, पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं था। फिर क्या हुआ अचानक से? बेइज्जती एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। एक मोहल्ले में भैया थे, उनका छोटा भाई सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था, प्रयागराज का एक बहुत बड़ा सेंट जोसेफ कॉलेज है, अच्छा खासा स्पीकर था भाई, बहुत बड़ा ICSE बोर्ड स्कूल है। हमसे बोला रहे, अरे तुम फटीचर स्कूल में पढ़ते, तुम क्या करोगे, काम धंधा करो बेटा, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। ये बात हमें आज भी याद है। कक्षा 10 के बाद किसी तरह पास हुए, सेकंड डिवीजन में पास हो गए। हमें मालूम था कि क्यों पास हुए, नकल ना करी होती तो पास भी ना होते। तो मम्मी ने डैडी से कहा कि एडमिशन करा दो, क्योंकि चार बच्चे हैं, अगर एक को नहीं पढ़ाओगे तो दुनिया क्या कहेगी। डैडी ने एडमिशन करा दिया एक मुस्लिम कॉलेज में। भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे, छोटा भाई भी। हम एक सरकारी स्कूल में पढ़े कक्षा 11 में। शायद उस भैया की बात हमें लग गई दिमाग पर, आज भी वो दिन याद है। सन 2007 का जुलाई महीना, कक्षा 11 में एडमिशन हुआ, 1 जुलाई। हमें नहीं मालूम क्या हुआ अचानक से 1 जुलाई, हमें नहीं मालूम अचानक से क्या हुआ, 1 जुलाई आज भी हमें याद है। उस दिन से लेकर के कक्षा 12 के इंग्लिश के पेपर तक, इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, हिंदी तो फिर भी पढ़ लेंगे, रट लेंगे, पास हो जाएंगे। उस समय क्लास 11th और 12th दोनों मिला करके पेपर बनता था। क्लास 11th अलग नहीं होता था, क्लास 12th अलग नहीं होता था। 20-20 चैप्टर्स हुआ करते थे बुक में। उस समय का पहला चैप्टर था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। ये पहला चैप्टर था। उस दिन से लेकर के कक्षा 12 के इंग्लिश के पेपर तक हमने इंग्लिश की किताब को इतना चाट डाला था, इतना रट डाला था, इतना एक एक शब्द को इतनी बार पढ़ा था कि मेरा कक्षा 12 के पेपर के बोर्ड पेपर में हमने शायद एक आधे नंबर की भी नकल नहीं करी, जबकि कक्षा 10 मेरा पूरा पेपर नकल पर डिपेंड था। कक्षा 10 में ये शुरुआत हुई थी जब मेरे दो शिक्षकों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया, जो पीछे स्क्रीन पर आपके चल रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर अजादार हुसैन रिजवी और इनका नाम है डॉक्टर सैयद नैयर रिजवी। ये दो वो शिक्षक थे जिन्होंने हमें, एक ने इंग्लिश से प्यार करना सिखाया और दूसरे ने जिंदगी में शॉर्टकट से हटा करके लॉन्ग कट का रास्ता थमाया और हमेशा कहा कि जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता, सीधे रास्तों पर जो सफलता मिलती है वो भी सीधी और सादी सी होती है। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने हमें लाइफ में शॉर्टकट से हटाया और ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने इंग्लिश बोल बोलकर मेरे अंदर इंग्लिश के प्रति इतना प्यार कर दिया कि ये डॉक्टर सैयद नैयर रिजवी, इनकी जब इंग्लिश सुना करते थे तो हमें शायद अंग्रेज भी बेकार लगते थे इनकी अंग्रेजी को सुनते, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया और इतना ज्यादा मोटिवेशन आया कि हमने अपनी लाइफ का पहला कंपोजिशन मतलब अपने आप से कुछ लिखा, अगर पहली बार कुछ लिखा। कक्षा 10 तक तो अपने आप से कुछ लिखा ही नहीं, एक तुमने लेटर सुना होगा ना रट के, अपने शब्दों का प्रयोग पहली बार जब किया था हमने क्लास 11th में, कक्षा 11 में पहली बार। तो फाइनल एग्जाम के बाद हमने एक डायरी इनको दी थी इनके बर्थडे पर गिफ्ट, उस डायरी में इनको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया था, इनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया था, 3 से 4 पेज लिखा था। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की मिस्टेक थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब दिया था हम कांप रहे थे उस समय कि सर के पास जा रहा है, वो भी इंग्लिश टीचर के पास, वो भी ऐसे टीचर जो दुनिया की कम से कम 10-12-15 जबान जानते हैं, ग्रीक बुलवा लो, चाइनीज बुलवा लो, जापानीज बुलवा लो, फ्रेंच बुलवा लो, इंग्लिश बुलवा लो, उर्दू बुलवा लो, अरबी बुलवा लो, सब कुछ बुलवा लो, ये वो बोल देते थे और इंग्लिश तो ऐसा बोलते थे। तो हमें भी लगा कि यार वाकई में इंग्लिश वाकई में बड़ी गजब की लैंग्वेज है, लेकिन बहरहाल वो तो इंटरमीडिएट तक की बात थी। कक्षा 12 तक किसी तरह पास होते चले गए।
इंग्लिश के ऊपर जो डर था वो बनता चला जा रहा था, लेकिन इंटर पास जब हो गए तो कॉन्फिडेंस आया, बोलना अभी भी नहीं आया था, पास तो हो गए अपनी मेहनत से। अब बात आती है कि इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना इतना आसान है या दोनों में फर्क है, दोनों बहुत सिमिलर है। तो शायद एक दिन हम बैठे हुए थे अपने पिता से, हमने पूछा कि डैडी हम वकालत करना चाहते हैं तो क्या कर लें। डैडी बोले तुमसे नहीं होगा बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है वकालत, तुम्हें बोलने की तमीज तो है नहीं, वकालत में बहुत बोलना पड़ता है। हमने हो सकता है, क्योंकि हम आर्ट साइड के स्टूडेंट थे, मेरे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं था लाइफ में कुछ अच्छा करने का, ज्यादातर आर्ट साइड वाले कुछ कर नहीं पाते, ऐसा लोग सोचते हैं। हम भी आर्ट साइड के हैं, अब सोच के देखें तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, क्या पढ़ें। ना पिता इतने अमीर थे कि वो इंजीनियरिंग डॉक्टर करवा देते, डॉक्टरी करवा देते, ना तो एमबीए करवा सकते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए भी, 2 लाख की फीस थी बीबीए में, तो पिता ने मना कर दिया। एक साल लगा हमें यह सोचने में कि व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए। सन 2009 में इंटर पास हुए और 2009 से 2010 पूरा साल सोचने में लगा दिया कि यार हम क्या करें, मतलब पढ़ना है, अब प्यार हो गया पढ़ने से, पढ़ना तो है। डैडी ने कहा बेटा चुपचाप बीए कर लो, काफी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो वो एक साल, तुम्हें लगता है कि एक एंट्रेंस निकालने के लिए हमने एक साल में कम से कम 7 महीने पढ़ाई करी। हम इतने वीक थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देने के लिए हमें 7 महीने पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि बिना एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा नहीं। तो एंट्रेंस दिया और जिस दिन एंट्रेंस का रिजल्ट आया तो उस दिन मेरी लाइफ में एक नया मोमेंट आया, और वो मोमेंट था अचीविंग द कॉन्फिडेंस। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो हिंदी तो छोड़ो, इंग्लिश तो छोड़ो, मतलब हिंदी भी नहीं बोल सकता, ये बात सत्य है। और वो मार्क्स मेरे 450 में 283 नंबर मार्क्स जो मेरे आए एंट्रेंस में, 450 का एंट्रेंस हुआ, 283 नंबर जब मेरे आए तो हमको लगा यार साहिर कमाल बाबा 283 नंबर तो फाड़ दियो। और उस दिन से हमें अपने ऊपर एक भरोसा, जैसे होता नहीं हेजिटेशन जो अब तक था, अपने आप को देख लेते थे तो हमें अपने आप से नफरत होती थी, उस दिन से जो भरोसा डेवलप हुआ अपने ऊपर, जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा डेवलप होता है तब वो कुछ कर सकता है। तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए जो कि सबसे तुच्छ माना जाता है आज के इस दौर में कि बीए करे हो तुम, बीए और एमए बीकॉम बीएससी इनकी वैल्यू नहीं, बीए की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी हमने अपने बीए की वैल्यू करी और अपने बीए के बल पर ही आज हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमने सैकड़ों कोचिंग में और हजारों बच्चों को पढ़ा डाला। लेकिन सब्जेक्ट था मेरे पास इंग्लिश। तुम क्या समझते हो कि इंग्लिश को एक दिन में कोई तुम्हें 100 में 100 दिला देगा, तुम 100 में 100 पार लोगे? ये सब पढ़ाने वाले हमने जो इतने 10 साल मेहनत करी, हम बेवकूफ थे कि एक इंग्लिश को बोलने में हमने सालों लगा दिए, इंग्लिश को समझने में। हमें आज भी वो दिन याद है एंट्रेंस के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखा था तो कदम रखने के बाद हम अपने आप में कांप रहे थे कि क्योंकि एक तो हम यूपी बोर्ड से पढ़े थे, चंपू जैसे दिख रहे थे, एकदम शक्ल बुरी सी थी, भयंकर काले से थे, पैंट सादी वाली थी और शर्ट खुली हुई थी और पैरों में चप्पल थी। इतने अमीर नहीं थे कि पैरों में जूता भी हो, जूता था भी तो वो जूता पहन के नहीं गए, जो स्कूल वाले जूते होते हैं वो वाले। और लगभग 15 से 16 दिन तक हम केवल और केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूमते रहे, क्लास में इंटर होने की हिम्मत नहीं हो सकी हमारी। मेरा आज दोस्त एक है राहुल सिंह नाम का, यूपी पुलिस में एसआई है, यूपी पुलिस में एसआई, वो मेरा पहला दोस्त था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिसने हमें इतना मोटिवेट किया और उसने मुझे धक्का दिया था क्लास में कि साहिर कब तक तुम बाहर चलते रहोगे, क्योंकि वहां के जो प्रोफेसर बोलते थे वो तो ऊपर से ऊपर हवा के ऊपर से जा रही अंग्रेजी क्या बोलना है, तो डर इतना था, अंदर लड़कियां बैठी हुई वो भी जीन्स पहने बैठी हुई और हम इतने चंपू से दिखाई दे रहे। बहरहाल 14-15 दिन के बाद हम क्लास रूम में एंटर हो पाए इस डर के बाद, और फिर वहां से शुरुआत हुई इंग्लिश लर्निंग की। और इंग्लिश लर्निंग की, अंग्रेजी को सीखा नहीं हमने, इंग्लिश को सीखा, क्योंकि प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आर द मोस्ट एजुकेटेड प्रोफेसर अक्रॉस द कंट्री, सबसे अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं, तभी उसे ईस्ट ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो हमने उस ईस्ट ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो मर्यादा है उसको मेंटेन रखने की भरसक कोशिश करी, और आज हम हर यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए उसको इंग्लिश उसकी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो रिजल्ट आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो बहुत ही दुखदाई, बहुत कष्टदाई है। 3 साल हमने बीए वहां पर किया, 1 साल
किसी तरह गुजरा और दूसरे ताल तक हमने जो भी अपने स्पोकन पर काम किया वहां माहौल पा करके, आज भी वो दिन याद है जब हम घिरे खड़े हुए थे लड़कियों से। मेरे टीचर कहते थे कि बेटा इंग्लिश सीख लो, कम से कम लेटर लिखने के तो काम आएगा ही। और फर्स्ट टाइम हमें यह एहसास हुआ कि हाँ यार इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर लड़कियाँ बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं। ये भी बात है, वो उस वक्त की बात थी कि इंग्लिश अगर बोल लेते हो तो तुमसे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती। साल भर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ने के बावजूद मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना केवल उस दोस्त के अलावा, क्यों बना वो हमें नहीं मालूम, लेकिन खासतौर से गर्ल्स, वो दोस्त शक्ल भी एक तो उस हिसाब से नहीं थी, ऊपर से न तो बोलना आता। लेकिन जब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतने ज़्यादा टॉर्चर झेल लिया तो उसके बाद फिर हमने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करना शुरू करी। फिर दिनों रात एक एक वर्ड के ऊपर, एक एक सेंटेंस के ऊपर हमने काम किया। और इस काम करने की शुरुआत कक्षा 10 में हुई थी। ये वो कॉपी है, वो कॉपी जो आपके पीछे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, वो कॉपी जब सन 2006 में हमने 10th क्लास में एंट्री ली थी, तो ये सन 2006 की कॉपी है जिसमें पहली बार हमने वह जाता है कि इंग्लिश लिखी थी। और इस कॉपी को आज भी हम फेंक नहीं पाए हैं क्योंकि पता है इससे मेरे इमोशंस जुड़े हैं। तुमको क्या लगता है कि एक दिन में हमने इंग्लिश सीख करके तुमको पढ़ाना शुरू कर दिया, तुमको जादू की झप्पी दे देंगे, तुमको मैजिकल वॉन्ड थमा देंगे, तुमको क्या लगता है कि तुमको 15 दिन के अंदर तुमको अंग्रेज बना दिया जाएगा? ये है मेरी मेहनत। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो इसकी डेट चेक कर लेना, सन 2006 पहला पेज आप देख लीजिएगा, उस पहले पेज पर लिखा हुआ है साहिर कमाल कक्षा 10, साथ में लिखा है स्कूल का नाम। अगले पेज पर उसका लिखा हुआ है डेट देख सकते हैं 2006 की पड़ी है। और इस कॉपी में पहला इंग्लिश का सेंटेंस मेरे टीचर ने हमको सिखाने की कोशिश करी थी, उस दिन से लेकर आज तक इंग्लिश के सेंटेंस ही बना रहे हैं क्योंकि हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और यूपी बोर्ड की जो दिक्कत है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इतना जानने के बावजूद भी बच्चा इतना सीरियस नहीं होता, वो एक वीडियो में सब कुछ पाना चाहता है। हमने हर टॉपिक को एक एक वीडियो में कोशिश करी, लेकिन अब एक वो वीडियो कौन सी लाएं जहां पर बच्चों को पूरी अंग्रेजी सिखा दें एक 40 मिनट की वीडियो में। सफलता इतनी आसानी से अगर मिल जाती बेटा तो शायद ये हर इंसान का जो बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा सब अच्छा होता। किसी का बचपन अच्छा होता है तो जवानी नहीं, तो किसी का जवानी अच्छी होती है तो बचपन नहीं। मेरा बचपन इतना खास अच्छा नहीं था, लेकिन इस उम्र पे हमें जो इज्जत शोहरत और जो भी नाम मिला है वो मेरी मेहनत से मिला है, ऊपर वाले के कर्म से मिला है। पीछे उसके मेरे पिता की माँ की दुआ जरूर होगी, लेकिन सिर्फ दुआएं काम नहीं आती हैं, बिना मेहनत के दुआ भी बेकार होती है। तो इसीलिए ये मेरा आप लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो तुम जाग जाओ या तो भाग जाओ। या तो जाग जाओ इसलिए कि आपको भविष्य में क्या क्या झेलना पड़ेगा, हम तो बहुत सी बातें ना बता पाए शॉर्ट सी वीडियो में, लेकिन हम सभी लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका जब आउटपुट नहीं आता, बच्चा हमने पता नहीं कितनी शादियां अपने घर की कुर्बान कर दी अपनी पढ़ाई की वजह से। इवन हमारे पिताजी पिछले 1.5 महीनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे, हमारी बहन की 9 फरवरी को शादी होने जा रही थी। एक टीचर होने के नाते हमारे ऊपर ये सूट नहीं कर रहा था कि हम घर की शादी करें और बच्चों का पेपर खराब हो जाए। यकीनन आप इसे मानिएगा, नहीं मानते हैं तो हम आपको मेरे पीछे जो कार्ड है आप कार्ड देख लीजिए, इस पर मेरी बहन का नाम भी लिखा है और 9 फरवरी की डेट भी लिखी, सन 2023 लिखा हुआ है। लेकिन वो 9 फरवरी की डेट भी इस वजह से बढ़ानी पड़ी क्योंकि 16 फरवरी से आपके एग्जाम आ गए, और अगर 16 फरवरी के एग्जाम है तो हमें शादी में कम से कम 7 दिन की छुट्टी चाहिए होगी। 7 दिन आपके इंग्लिश टीचर गायब रहे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमने इसको बढ़वाया है, अब वो मार्च और अप्रैल की कोई डेट लेकर के करेंगे। पिताजी हॉस्पिटल रहे, आईसीयू में कई दिन तक भर्ती रहे और अभी भी वो वहां है, अभी भी वापस नहीं आया वो प्रयागराज। हमारा पूरा माइंड अपने बच्चों की पढ़ाने और पढ़ने पर लगा रहता है, लेकिन बच्चों का ध्यान अपने अपने घरों में शादियों में लगा है, तो कोई मैच में लगाया हुए है, किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका भविष्य क्या होगा आगे चलकर, ये समझ में नहीं आता। बहुत त्रस्त हो जाते हैं कभी कभी, रात में जब सोते हैं तो एक अजीब सी भावना आती। आप बच्चे हैं और बच्चा के बारे में केवल माँ बाप के बाद शिक्षक ही सोचता है इमोशनली, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, रिश्तेदार नहीं सोचेंगे। अफसोस होता है कि आप कब जागेंगे, कब पढ़ेंगे, कब क्या करेंगे।
बहुत मेहनत लगती है बच्चा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उस मेहनत को आपकी कम करने के लिए टीचर दिन रात लगा रहता है कि कुछ ऐसे शॉर्ट तरीके बताए जाए, कुछ कुछ अलग नया बताया जाए जो बच्चे को एंटरटेनिंग लगे, बच्चे को अच्छा लगे, तब जा करके इंग्लिश स्पीकिंग आती है, अदरवाइज इंग्लिश खासतौर से नहीं हो सकती। बस यही कहना चाहेंगे, उसके अलावा और कुछ है नहीं। धन्यवाद।